आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए। कोई इस मुल्क में किसी को आगे नहीं आने देता। आपको पोनियां मारनी होंगी, धक्के देने होंगे, रास्ता बनाना होगा। इस मुल्क का ये भी एक साने है कि एक आदमी नवाब शाह से आता है, वो सारा पैसा नवाब शाह की सड़कों पे लगा देता है। एक आदमी मुल्तान से आता है, सारे पैसे मुल्तान के पुलों पे लगा देता है। एक आदमी लाहौर में आता है, सारा पैसा लाहौर में लगा देता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि 80% 2 अरब रुपया एक हॉस्पिटल में, मां और बच्चे का हॉस्पिटल रावलपिंडी में 8 साल से मुंतजर है, 80% काम मुकम्मल है, लेकिन क्योंकि वो लाहौर में नहीं है। और एक कॉलेज लड़कियों का सदर में 10 साल से उसका लेंट, सारा काम मुकम्मल है, एक छत रहती है, लेकिन कोई किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि जब आप वोट देने पे आते हैं, आपके जज्बात का एक आलम होता है। क्योंकि वोट के लिए टीवी पे पब्लिसिटी वही दे सकते हैं जिनके पास लंबा माल है, वो पूरे चैनल खरीद सकते हैं। ये पढ़े लिखे क्राउड ने फैसला करना है। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हुई है कि मसाइल ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर मसाइल ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह मसले हल होंगे। सर, आपने ग्वाल मंडी को पॉइंट आउट किया, वो किस वजह से? क्योंकि मैं किसी जमाने में वहां खुद रहता था। तो इट मीन्स कि आप भी वो सब क्रिटिकल है? नहीं, मैं 52 का तो सोच नहीं सकता। मैं तो समझता हूं कि इंसान को ऐसी बात करनी चाहिए इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल की पोस्ट पे कि मजाक ना बने। और इसे आपने बोला कि हम लोग आगे आगे, अगर हम लोग आगे आ जाते तो देन आप लोग कहां पर जाएंगे? अब हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां सारी मेजर लीडरशिप ओवर 60 को क्रॉस कर चुकी है। मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में खानदानों से आप लोग निजात दिलाएं। ये 7 खानदान जो कब्जा ग्रुप है, आप लोग ही आगे आएंगे तो निजात मिल सकती है। अच्छा, आपका अपना कब व्यू है मुशर्रफ साहब के ट्रायल पे? एक मिनट एक मिनट, ये ट्रायल फेल हो रहा है आपको लगता है कि नहीं हो रहा? फेल सर, फेल ही हो रहा है। क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू देख लें सर, जब ये अब नवाज शरीफ आए, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, लोड शेडिंग सर, डेफिनेटली फेल हो रहा है। फेयर फेयर सर, वो फेयर तो है ही नहीं किसी भी सेंस में, क्योंकि अंग्रेजी भी नहीं समझ आ रही है एक दूसरे। सर एक्चुअली वही क्लियर नहीं था, सर वही क्लियर नहीं था, वही क्लियर हुआ तो देना पड़ेगा। मुशर साहब के ट्रायल में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक फेयर तो नहीं है, बाहर जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।